हेलो फ्रेंड, वन सेकेंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंटेक। फ्रेंड, हम आज के वीडियो में जानेंगे महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को जारी कर दिया गया। लेकिन फ्रेंड, कुछ ऐसे कॉलेज है जिनका रिजल्ट नहीं शो कर रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड करके लिख रहा है। जैसे फ्रेंड आप डिस्प्ले देख सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट एकेडमिक ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का रिजल्ट जो कि महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे आप सभी छात्र अपने मोबाइल फोन से रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं और साथ में परसेंटेज भी आप कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड अब जो भी अब रिजल्ट जारी किया जा रहा है आप सभी छात्रों को, उसमें या जीपीए या सीजीपीए करके लिखा रहेगा, तो उसको परसेंटेज में भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। फ्रेंड, हमें गूगल पे जाना, जहाँ सर्च करना है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड, हम जैसे ही आजमगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें फ्रेंड दिया गया msdsu.ac.in। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, हम जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा जो भी रिजल्ट जारी किया गया है, इस पर थर्ड नंबर पर रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही आप रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड यहाँ पे महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा जो भी रिजल्ट जारी किया गया, फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों को रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट ईयर में आपको ईयर 2023 सेलेक्ट करना, 2022 नहीं फ्रेंड, आप सभी छात्रों को ईयर 2023 सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेलेक्ट एग्जाम में आपको सेलेक्ट कर लेना यूजी, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया गया प्लीज सेलेक्ट कोर्स नेम। अगर आप बीए का चेक करना चाहते हैं तो बीए सेलेक्ट कर सकते हैं, और बीकॉम का चेक करना चाहते हैं बीकॉम, और बीएससी का चेक करना चाहते हैं तो बीएससी। तो फ्रेंड, हम एक का चेक करके शो कर देते हैं, सेम स्टेप फॉलो करके आप बीए बीएससी बीकॉम किसी का चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम बीए सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप जैसे बीए सेलेक्ट करने के बाद प्लीज सेलेक्ट सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर फर्स्ट सेलेक्ट करना है ना, क्योंकि फ्रेंड अभी फर्स्ट सेमेस्टर का ही रिजल्ट जारी किया गया। तो फ्रेंड, हम सेमेस्टर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड, आप सभी छात्रों को रोल नंबर और फादर नेम को फिलअप करके सर्च रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, हम रोल नंबर और फादर नेम को फिलअप करके फिर सर्च रिजल्ट पे शो करके फिर आपको, तो फ्रेंड हम रोल नंबर और फादर नेम को भी फिलअप कर चुके हैं। जैसे फ्रेंड, सबसे पहले आपको ईयर 2023 सेलेक्ट करना, फिर यूजी सेलेक्ट करना, उसके बाद जो भी जिस भी कोर्स का चेक करना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम उसको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सेमेस्टर फर्स्ट। तो फ्रेंड, सब कुछ फिलअप करने के बाद आप सभी छात्रों को सर्च रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, आप जैसे ही सर्च रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी रिजल्ट आपका जारी किया गया उसका पीडीएफ आपका जो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हम पीडीएफ को ओपन करके आपको शो कर देते हैं। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड सबसे ऊपर बैचलर ऑफ आर्ट एकेडमिक ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 राज्य पीजी कॉलेज सठियाओं का एक कॉलेज उसका ओपन हुआ। तो फ्रेंड, हमें स्लाइड करते हुए नीचे जाना है। तो फ्रेंड, हम जैसे नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब जो भी जिसने भी सब्जेक्ट हैं सभी का नंबर दिया है। जैसे फ्रेंड, इनका 75 नंबर में 25 नंबर इंग्लिश प्रोज में आया है, और फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड पेपर फिजिक्स जियोग्राफी जो कि 75 में 48 नंबर है, और मिड टर्म में इनका जो कि प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे मिड टर्म में भी नंबर अच्छा खासा दिया है, जैसे 25 में 24 नंबर 25 में 23 24 यही नंबर दिया गया। और साथ में फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो कि थर्ड पेपर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस मेजर है, जो कि इंडियन नेशनल करके जो भी सब्जेक्ट दिया गया, फोर्थ पेपर हिंदी, और जो कि फाइव्थ पेपर योगा और फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सभी का यहाँ पे सब्जेक्ट का दिया गया है। तो फ्रेंड आपको, और फ्रेंड कुछ ऐसे कॉलेज फ्रेंड कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रोल नंबर फिलअप करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड करके सो रहा है। तो फ्रेंड, उन सभी छात्रों को कुछ टाइम बाद आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, क्योंकि फ्रेंड कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनके द्वारा प्रैक्टिकल के एग्जाम यूनिवर्सिटी के डाटा पे अपलोड किया जाता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कॉलेज के लॉगिन पोर्टल के द्वारा अपलोड किया जाता है, उसके वजह से उनका रिजल्ट अभी नो रिकॉर्ड फाउंड करके शो कर रहा है। और फ्रेंड, जो भी मिड टर्म होती है उनका भी नंबर यूनिवर्सिटी के डाटा पे अपलोड किया जाता है। तो फ्रेंड, इसके वजह से आप सभी छात्रों, जिन भी छात्रों को नो रिकॉर्ड फाउंड करके शो रहा है उनको कुछ टाइम बाद ही चेक करना है। और फ्रेंड, जो भी यहाँ पे एस जी पी ए से सी जी पी ए में आपको परसेंटेज निकालना, तो फ्रेंड इनका जो कि 6.48 एस जी पी ए, इनको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड, आप सभी छात्रों को 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आप सभी छात्रों की यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।